छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी ने बीते दिनों होटल कारोबारी अनवर डेवर को गिरफ्तार कर ईडी कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही राज्य की सियासत गर्मा गई, क्योंकि ईडी ने करीब 2000 करोड़ वाले इस घोटाले में बड़े राजनेताओं के शामिल होने की बात कही है, जिसके बाद कांग्रेस की नींद उड़ सकती है। ईडी ने कोर्ट में अनवर को जब पेश किया तो 13 पेज का चार्जशीट सबमिट किया, जिसमें करीब 2000 करोड़ के घोटाले का राज है। शराब व्यवसायी अनवर डेवर को ईडी ने 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। छत्तीसगढ़ में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी का दावा है कि आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर डेवर अवैध रूप से शराब सिंडिकेट चला रहे थे। दोनों सिंडिकेट के सरगना थे। जांच में ये भी पता चला है कि 2019 से 2022 तक राज्य में कुल शराब बिक्री में करीब 30-40% अवैध रूप से की गई। भ्रष्टाचार की रकम का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया गया। इसमें ब्यूरोक्रेट्स और नेता दोनों शामिल थे। कारोबारी अनवर डेवर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज डेवर के बड़े भाई हैं। 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। क्या वो सरकार पूरे तरीके से आदर्शवादी सरकार थी? क्या वो सरकार पूरी तरीके से कोई, क्या उस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्यों नान घोटाले की जांच नहीं करते हैं? कौन है जिसमें डायरी में सीएम मैडम लिखा हुआ है? कौन है जिसमें सीएम सर लिखा हुआ है? क्यों 2020 में ईडी की जांच चालू हुई रमन सिंह जी के खिलाफ, आज तक एक पन्ना भी उसमें नहीं पलटा गया? जबकि 2003 बैच के आईएएस अनिल टुटेजा वर्तमान में राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। ईडी ने दावा किया है कि टुटेजा मामलों का प्रबंधन कर रहा था और अनवर के साथ इस अवैध सिंडिकेट का सरगना था। आबकारी विभाग में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा था और हर जगह से सैकड़ों करोड़ की नकदी एकत्र की जा रही थी। सिंडिकेट ने अपना हिस्सा रखने के बाद राजनीतिक अधिकारियों और चुनाव प्रचार के लिए दिया। अनवर इस सिंडिकेट का मुख्य कलेक्शन एजेंट और फ्रंटमैन था। अनवर ने टुटेजा को 14.41 करोड़ रुपए की डिलीवरी दी, जिसके डिजिटल साक्ष्य हैं। छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति 2017 में संशोधित किया गया था, लेकिन एजेंसी की ओर से शिकायत में कहा गया है कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से 3 अलग अलग तरीकों से इलीगल पैसा जुटाया। एक तरीका था शराब आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया अवैध कमीशन। दूसरा था राज्य की ओर से संचालित दुकानों से ऑफ द रिकॉर्ड बेहिसाब देशी शराब की बिक्री। और तीसरा था राज्य में डिस्टिलरों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए भुगतान किया गया वार्षिक कमीशन। ईडी ने दावा किया कि बेहिसाब अवैध शराब बनाने और बेचने की और भी कुटिल योजना बनाई गई। सरकारी योजनाओं से बेहिसाब शराब की बिक्री की जा रही थी। डुप्लीकेट होलोग्राम और बोतलों का इस्तेमाल किया गया। राज्य के गोदामों को दरकिनार कर शराब सीधे डिस्टिलर से दुकानों तक पहुंचाई जाती थी। आबकारी अधिकारी इसमें शामिल थे। पूरी बिक्री नगद में की गई। कोई आयकर और कोई उत्पाद शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया गया था। पूरी बिक्री किताबों से दूर थी। ईडी ने कहा कि अनवर इस मामले में भ्रष्टाचार से मिली रकम का अंतिम फायदा उठाने वाला नहीं है। वह प्राइवेट व्यक्ति है जो सरकार में किसी पद पर नहीं है, लेकिन रायपुर मेयर और सत्ताधारी पार्टी के साथ अपनी निकटता का इस्तेमाल कर रहा है। ईडी ने दावा किया कि अनवर ने अपने सहयोगी विकास अग्रवाल को दुबई में रखा है और अवैध रूप से अर्जित आय को संयुक्त अरब अमीरात में निवेश किया गया है ताकि उसे अलग किया जा सके। वहीं अनवर के वकील राहुल त्यागी ने शनिवार को दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है। देखिए, ईडी का कहना है कि अनवर ढेबर से पूछताछ करनी है और जानकारी निकालनी है, जो कि ये पिछले एक साल से कर रहे हैं। वो उनका कहना था कि हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, हमें एविडेंस तलाशने हैं। आज तक उनको एविडेंस नहीं मिले हैं। कितने दिन के लिए ईडी रिमांड भेजी है और क्या? 4 दिन के लिए उन्होंने रिमांड मांगी है। अच्छा, ये भी कुछ और भी मामला, क्या बहस हुई थी? बहस में हमने कहा कि आप 2000 करोड़ की बात करते हैं तो उसमें से 2 रुपए का भी आपको कहीं आपने कोई एविडेंस लेके आया कि कहीं किसी ने 2 रुपए दिए हो या आपने रिकवर किए हो या आपने पहचान करी हो कि वो पैसे कहाँ रखे हैं? तो इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। आप लोग आगे क्या? हमारा तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है याचिका और वो उसकी जल्दी इस हफ्ते सुनवाई होगी आने वाले हफ्ते में, और आप देखिएगा कि बड़ा अच्छा, कोई हमें तो उम्मीद है कि कोई अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। वहीं एक कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सब राजनीतिक बदलेबाजी की भावना है
और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के नेता ने यह भी जानकारी दी थी कि उनके मुखिया और वरिष्ठ नेताओं ने अंदेशा जताया था कि विधानसभा चुनाव आने से पहले कई बड़े नेताओं को झूठे मामलों में ईडी फंसाने की साजिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।